देवास के अतवास में शासकीय बालक स्कूल इन दिनों तालाब में तब्दील हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। हर साल मानसून के दौरान मैदान के साथ साथ कक्षाओं और कार्यालय में पानी भर जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। साथ ही बरसाती कीड़े मकोड़े और सांपों का खतरा भी बना रहता है। सतवास तहसील के अवतास में शासकीय बालक स्कूल बारिश के चलते तालाब बन गया है। स्कूल के शिक्षकों के अनुसार स्कूल के सामने बने नाले का गहरीकरण नहीं होने के कारण यह समस्या होती है। पिछले 3 सालों से नगर परिषद और संबंधित विभागों को समस्या बताई जा रही है, लेकिन हर बार केवल अस्थायी समाधान ही निकाला जाता है। ऐसे में बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल आना पड़ता है। इस साल भी अधिक बारिश के कारण स्थिति गंभीर हो गई है और स्कूल को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। ये स्कूल का ये नाला सही करवा दो, और ये हमको जब से मैं स्कूल आ रहा हूँ, जब से उसमें ये समस्या दिख रही है, पानी आ जाता है, पूरे स्कूल में पानी भरा जाता है। हमारे सर तो अच्छे पढ़ाते हैं, पर पानी की वजह से पूरे क्लास में पानी भरा जाता है। हमारी स्कूल में मैं जब से आ रहा हूँ, जब से पानी भरा हुआ रहता है, मैं जितनी भी बार आया हूँ पानी भरा रहता है, हमारे को निकलने में दिक्कत होती है। ये रोड जब से बना है, जो सामने जो नाला बना है, इसका इन्होंने आगे से लेके यहाँ तक गहरा करा, और वो जो कोना है वहाँ से नाले को 1 फीट ऊंचा कर दिया, तो वहाँ पर उसकी थोप लग रही, जिसकी वजह से पानी आगे नहीं जाने की वजह से समस्या बन रही है। बिल्कुल परेशानी होती है, जब भी पानी आता है तो मुझे स्कूल से बच्चों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हर बार जब पानी का लेवल बढ़ता है तो इसमें जो जहरीले सांप होते हैं वो आ जाते हैं। आज भी हमने एक सांप को मारा है। यही चाहते हैं कि इसका नाला बन जाए ताकि ये पानी निकल जाए, और विधिवत जो हमारी स्कूलें लगती हैं वैसे लगे, जब भी पानी गिरता है तो हम छुट्टी कर देते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सीएमओ का कहना है कि पानी निकासी की समस्या गंभीर है, इसका स्थायी समाधान एमपीआरडीसी के तहत ही किया जा सकता है। अब ये तो देखो प्राकृतिक चीज है, इसमें जीव जंतु निकले, थोड़ी सावधानी, क्योंकि सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये अतिवृष्टि बारिश हुई है। मैंने अभी तहसीलदार साहब को बताया, मैं अभी हाल ही देख के गया, आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि ये एमपीआरडीसी का रोड फील्ड में ही है सर। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।